अमीर खुसरो साहब की जन्मस्थली कासगंज की पटियाली को कहा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, थोड़ा प्रकाश डालिए। अमीर खुसरो 1253 में पटियाली में नजद किला कहा जाता है, किले के नज़दीक कहीं पर पैदा हुए और इनके जो वालिद साहब थे वो पटियाली के उस वक्त के अमीर थे। तो शमशुद्दीन अल्तमश के टाइम में उनको यहाँ पर अमीर बनाया गया और उनकी वालिदा जो थी वो हिंदू समाज का आयस समाज से थी, जिनका नाम धनदेवी था। जब उन्होंने इनके वालिद के साथ शादी की तब उनका नाम बदलकर धनदेवी से, क्योंकि धन दौलत को कहते हैं, इसलिए दौलत नाश कर दिया गया। और उनके नाना ने भी अपना नाम, वो भी मुसलमान हुए, जिन्होंने अपना नाम इमादुल मुल्क रखा। वो बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, बहुत बड़े आदमी थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 आदमी उनके सिर्फ पानदान पर रहा करते थे। हम लोगों ने यहाँ पर एक बार कव सम्मेलन और मुशायरा कराया था। हमारे यहाँ कभी एक न मुशायरा होता न कव सम्मेलन, हमेशा गंगा जमनी होता है। उसमें हमने उसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय गोपालदास नीरज जी को यहाँ पर बुलाया था और बहुत खुशामद करके हम उनको यहाँ बुला के ला पाए। उन्होंने कई शर्तें थीं, उनकी सब शर्तें मानी। जब वो यहाँ पर आए और हमने उनको गाड़ी में से उतारा तो उन्होंने यहाँ की ज़मीन पर पहले पैर नहीं रखे, बल्कि मट्टी से, हाथ से मट्टी उठाकर सीने से लगाई और माथे से लगाई और ये कहा कि आज गोपालदास नीरज की कविता जो है वो धन हो गई और गोपालदास नीरज की कविता का आज तीरथ हो गया, हज हो गया। हम यहाँ आने के बाद आज कामयाब हो गए। और जब हमारा मुशायरा कव सम्मेलन ख़त्म हुआ और हमने जब उनको लिफाफा भेंट किया तो वो हम पे बहुत नाराज़ हुए और नाराज़ होकर बोले, पटियाली अमीर खुसरो की सरजमीन पर पैसे की बात या लिफाफे की बात ये किसी अच्छे कवि और शायर को शोभा नहीं देती। उन्होंने एक और तुम ये बताओ तुमको मुझसे क्या चाहिए। तो हमने हाथ जोड़ कर बात बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम कुछ नहीं, आप यहाँ आए हमारा यही था। बोले हम भी ये चाहते हैं कि पटियाली के लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमने तुम्हारी मोहब्बत देखी, हमको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए था। आज आपने लास्ट टाइम में आपका एहसान है कि हमारी कविता को धन्य करा दिया। यूं तो कासगंज जनपद की पवित्र भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, चाहे भगवान वाराह का प्राकट्य रहा हो या उनका निर्वाण। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी कासगंज रही। प्रख्यात शायर, संगीतकार एवं सूफी संत अमीर खुसरो साहब भी इसी कासगंज की सरजमी पर पैदा हुए, तो अमर शहीद महावीर सिंह की जन्मस्थली भी कासगंज को कहा गया। अनेकों धरोहरें हमारे कासगंज जनपद के पास हैं। यहाँ के जनमानस को और प्रशासन को आवश्यकता है इन धरोहरों को संजोकर सहेजने की। कासगंज से ईटीवी न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत शर्मा।